चलिए आज हम बात करते हैं केस स्टडी के बारे में एबडस्टर्स मीडिया फाउंडेशन के बारे में तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एबडस्टर्स मीडिया फाउंडेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एबस्टस्टर्स क्रिएटेड वेरियस वेज थ्रू विच इट कुड ट्राई टू अटेन इट्स गुड इट पब्लिश्ड अ मैगजीन विद द सेम नेम एबस्टर्स hosted website appstress.org and started an advertising agency named power shift to promote its ideas so appstress appstress करके एक कंपनी uh, है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है नेचर फ्रेंडली है तो उन्होंने अपना मैगजीन बनाया अपना वेबसाइट बनाया और uh, जिस तरीके से भी हो सकते हैं अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने की कोशिश की वैन कोवर कैनडा बेस्ड एबस्टर्स मैगजीन सर्कुल्वेंटी थाउजेंड स्पर अबाउटाटी थाउजेंड का सब्सक्रिप्शन है सर्कुलेशन है तो दुनिया में दो सौ कंट्रीज है उसमें से सिक्सटी कंट्रीज मतलब लगभग तो थर्टी परसेंट कंट्रीज में तो इनका जो बाय मंथली जाता है दिस बाय मैगजीन जाता है तो मैगजीन है इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं रहता और ये फिजिकल और कल्चरल एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा मतलब ज्यादा कंसर्न है इसके लिए ज्यादा प्रिकॉशन लेता है बाय कमर्शियल फोर्सेस तो ये Uh, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जो अननेसेसरी एडल्ट्रेशन हो रहा है जो अननेसेसरी अर्बनाइजेशन uh, हो रहा है और जो पोल्यूशन हो रहा है इसके खिलाफ ये काम कर रहा है द मेजर रीडर ऑफ द एबस्टर्स मैगजीन इंक्लूडेड प्रोफेसर स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल तो इसके जो व्यूअर्स uh, uh, है रीडर्स है ऑडियंस है वो प्रोफेसर स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन एनवायरमेंटलिस्ट मीडिया प्रोफेशनल है द मैगजीन वाज स्पॉन्सोर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एंड ग्रीन पीस तो ग्रीन पीस एंड फ्रेंड्स ऑफ अर्थ भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं absters.org carried various features in addition to the features published in the absters magazine तो उनके बहुत सारे फीचर्स है सिर्फ मैगजीन में जो लिखा गया वही काफी नहीं है द पावर पॉवरशिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीड राइट एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट प्रॉफिट तो पावरशिफ एडवर्टाइजिंग है जो कि कॉज रिलेटेड एडवर्टीजमेंट में नेचर से और एनवायरमेंट फ्रेंडली रिलेटेड इनिशिएटिव्स को

Along with White Dots, a UK-based organisation, UK-based organisation भी उसके साथ शा, शामिल थी, उसके हेल्प uh, कर रही थी, उसका नाम था White Dots organisation. इन्होंने turn off uh, TV नेटवर्क का प्रमोशन किया, मतलब क्या TV ती, पे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, uh, दूसरी चीज़ों पे, uh, दूसरी प्रोडक्टिव चीज़ों पे अपना ध्यान दो. To celebrate TV turn off week from April 25 टू May, तो इन्होंने क्या किया? कि टीवी टर्न ऑफ वीक सेलिब्रेट किया अप्रैल 25 अप्रैल से मई तक एवरी ईयर एपस्टर्स लॉन्च कल्चर जामिंग इज फॉर्म ऑफ कमेंटिंग ऑन अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द सेम मीडियम इट तो कल्चरल कल्चर जामिंग इज अ फॉर्म ऑफ कमेंटिंग ऑन अ मीडियम ऑफ

एबस मीडिया फाउंडेशन तो ब्रांडिंग ऑफ अमेरिका तो और एक कैंपेन इन्होंने चलाई अनब्रांड अमेरिका जो की ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा था बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे वेस्टेज हो रहा था उसके ऊपर अननेसेरीसरी

Uh, जो आगे दिया गया है बिकॉज माई कंट्री हैज सोल्ड इट्स टू कारपोरेट पावर बिकॉज कि अमेरिका uh, ने या हमारे देश ने अपना जो आत्मा है कॉर्पोरेट पावर को बेच दिया है और कंज्यूमरिज्म जो है एक नया रिलीजन बन गया है बिकॉज वी हैव ऑर्गटेन द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम और फ्रीडम जो है कि uh, जिसका मीनिंग सबको

ऑन अ बिग कॉर्पोरेट्स लाइक नाइकी मैकडोनल्स थ्रू द ब्लैक स्पॉट एंटी कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट तो एब्स्टर्स ने नाइकी और मैकडोनल्स के खिलाफ एक प्रोजेक्ट चलाया या एक कैंपेन चलाई अवॉर्डवाइड कंज्यूमर कॉर्पोरेटी प्रोजेक्ट एम्यूड एट रिगेनिंग द स्वर्णिती ऑफ़ द कंज्यूमर ओव मार्केट तो ब्लैक स्पॉट शूज को प्रमोट किया मार्केट में लॉन्च किया दिस वॉज बिग कारपोरेट तो ये एक प्लान था बिग कारपोरेट के ऊपर इनका जो प्रेशर किया जाए लाइक नाइकी हू वेयर आउटसोर्सिंग शूज मैन्युफेक्चरिंग टू स्वेट शॉप इन वेरियस एशियन कंट्रीज तो नाइकी क्या करता है अपने जो शूज है एशियन कंट्रीज को इंपोर्ट करता है जहाँ पे बहुत कम वेजेस पे लोगों को काम किया करने के लिए बोलते हैं हाइजीनिक कंडीशन पे जहाँ पे लेबर लॉस को वायलेशन होता है वहाँ पे ये नाइकी या फिर बड़े ब्रांड है वहाँ से वो प्रोडक्ट आउटसोर्स करते हैं वहाँ से बनवा के लेते हैं इन टू थाउजेंड फोर एपस्टर्स बिगेन सेलिंग ब्लैक स्पॉट शूज

अपने कैंपेन एंटी कैपिटलिज्म कैंपेन पे लिखता है कि हम जो कैपिटलिस्ट मूवमेंट है उसको कंडेम करते हैं और उसका कंप्लेन करते है प्रोटेस्ट करते है बॉयकॉट करते हैं और हम एक कंज्यूमर ओरियंटेड कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं नेचुरल जो कि नेचुरल हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो बट वन तो हमने एक काम नहीं किया इन इथिकल वर्कर फ्रेंडली एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्शन इन द शू इंडस्ट्री तो ब्लैक uh, स्पॉट तो के जरिए ये इथिकल वर्क फ्रेंडली एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते थे शू इंडस्ट्री में एटलीस्ट वन वन इंडस्ट्री वो स्टार्ट करना चाहते थे द बाय नथिंग डे कैंपेन वाज एन इवेंट एक्टिवली प्रमोटेड बाय एडस्टर्स तो उन्होंने एक डे कैंपेन रखा जिसमें उन्होंने बोला कि आज हम कुछ भी बाय नहीं करेंगे बाय नथिंग डे वाज यूजुअली ऑब्जर्व इन यूएसए एंड कनाडा ऑन डे आफ्टर थैंक्सगिविंग तो थैंक्सगिविंग डे के बाद ये डे जो है बाय नथिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज टू फोकस अटेंशन ऑन द कंडीशन ऑफ द पुअर एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज ऑन द एक्सट्रागन स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ पीपल इन द कंट्रीज तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो ज्यादा स्पेंड करता है unnecessary, underdeveloped और अननेसेसरी जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे लोगों को ज्यादा अनहाइजीनिक uh, और अनलॉफुल कंडीशंस uh, में काम करना पड़ता है ऑन दिस डे

या फिर बॉयकॉट कर दिया था टर्म uh, तो uh, नाम इन्होंने कहा से लिया टर्मिनोलॉजी ये यहाँ पे बताया गया है कि जो पुराने टीवी थे वो बंद करते के बाद एक वाइट स्पॉट आ जाता था बंद करने के बाद एक मिनट में जब वो कम्प्लीटली बंद होने से पहले वाइट स्पॉट आ जाता था वहां से ये नाम उन्होंने सिलेक्ट किया एब्स्टस कॉर्पोरेट अमेरिकन फ्लैग स्टार्स आर रिप्लेस्ड बाय लोगोज़ ऑफ फॉर्च्यून 500 तो इन्होंने क्या किया अमेरिका का जो फ्लैग है वहां पे जो स्टार्स थे उसमें उसको रिप्लेस कर दिया फॉर्च्यून 500 के जो कंपनीज है उसके लोगो के साथ तो ये बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया इन्होंने जो सटायर काइंड ऑफ जो प्रोटेस्ट किया और जो जो, जो अगेंस्ट इसके बोले हैं या फिर कुछ अगेंस्ट अपोज किया है जो कि कैपिटलिज्म uh, या फिर जो ब्रांडेड कंपनीज होती है उनके काम करने के तरीके तरीके के ऊपर सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस केस स्टडी वेरी नाइस केस स्टडी एंड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी इन विच एबस्टर्स मीडिया फाउंडेशन वर्क फॉर द सोसाइटी वर्क फॉर द नेचर वर्क फॉर द एनवायरमेंट एंड वर्क फॉर द today's rat race where brands are uh, obsessed with uh, selling the products to the customers and customers are also fond of purchasing non-essential thing and uh, develop uh, the countries which are already developed are burdening uh, the uh, uh, things and getting uh, outsourcing things through the branded companies uh, to the develop, underdeveloped and developing countries and workers over there in the developing countries and develop uh, underdeveloped countries are getting exploited. So this is all uh, non-government organization campaign uh, running to save nature, to save society, to save humanity, to save ethics, to save uh, uh, the the uh, the uh, the exploitation and lot of things. So this is very nice case study. So we will keep on. Uh, uh, discussing this case study, kindly subscribe to my YouTube channel, kindly like, share, and comment on my YouTube channel.